हाय दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं बेंडिल घूमने, लहरी बाबा के मंदिर। हमारे यूट्यूबर राहुल, लोकल बॉय राहुल है। हाय फ्रेंड्स, और राहुल आप लोग को यहाँ तक गाइड करेंगे और हमारे साथ निकेत भी है। ये है हमारी गंगा माँ, इसको हम लोग भी पार कर रहे हैं। तो हम लोग पार हो चुके हैं। ये यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है और ये रहा हम लोग का स्कूटी, इसी से हम लोग जाएंगे। और ये हमारे भाई अभिषेक हैं, हम लोग तीनों जा रहे हैं। एक और मेरे भाई आ गए, अनिकेत। और ये हमारा रहा बाइक, और ये हमारा स्कूटी स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंदर। और ये हमारे भाई ड्राइव कर रहे हैं। काफी ठंड लग रही है आज, ठंड बहुत ज्यादा है। जैसा कि मेरे भाई ने पहना हुआ है, ये ठंड से सेफ्टी रखो तो अपना सफर का मजा आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिटी मोड़ पहुंचने वाले हैं। और ये आ गया हम लोग का ज्योति मोड़। ये रहा ज्योति मोड़, जैसा कि आप लोग देखते हैं। और इधर से हम लोगों ने टर्निंग लिया। हम लोग आप लोगों को पूरा रास्ता बताते हुए ले जाएंगे कि कोई भी आना चाहे आराम से बाइक या स्कूटी लेके आ सकता है। ज्योति मोड़ से टर्न लेने के बाद फिर हम लोग सीधा जाएंगे, बने रही वीडियो तक। ज्योति मोड़ से सीधा ये सामने जो देख रहे हैं मानगुंड स्टेशन है, इसको भी पार करके हम लोग सीधा जाएंगे दिल्ली रोड की तरफ। कहीं भी नहीं घूरना है, कहीं भी नहीं मुड़ना है। ज्योति मोड़ से सीधा आप लोग बाइक से एकदम सीधा चलते जाएंगे। ये रहा मानगुंड स्टेशन, ये स्टेशन के नीचे से हम लोग जा रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट दिल्ली रोड पे उठेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। रोड की तरफ जाने का रास्ता कितना ही मस्त खूबसूरत है। रात को आने थोड़ा अंधेरा रहेगा यहाँ पर, बट आपको निकलना होगा। कम से कम 3 बजे तक अपने घर से निकलिए और आराम से इस रास्ते का मजा लेते हुए चलिए। ये रास्ता आपको सीधे लेके जाएगी वहाँ मंदिर तक हमारे। हम लोग रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है यहाँ पर। ये हम लोग का दिल्ली रोड जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही साफ रहता है। पेट्रोल लेंगे, पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले चुके हैं। अब हम लोग फिर से गाड़ी आगे तक बढ़ेगा और ये हम लोग निकल गए अपने मंजिल की तरफ। और ये देखिए हम लोग कहीं नहीं मुड़ना है,
सीधा रोड को पूरे सीधा चलते जाना है, किसी प्रकार कोई भी मोड़ में टर्निंग नहीं लेना है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल सीधा हम लोग जा रहे हैं। और आप लोगों को भी अगर बाइक से या स्कूटी से आना है तो आप लोग भी सीधे ही आइए इसी रास्ते के थ्रू, जो कि बहुत ही आसान रास्ता है। चलते हैं मंदिर तक, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मंदिर के पास अभी ये रहा रास्ता हम लोग का, और ये देखिए आप बस 1 से 2 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे लहड़ी बाबा के मंदिर के पास। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है लहड़ी बाबा मंदिर के पास। और यहाँ पे देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही भीड़ है, आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो चुका है। बहुत ही रास्ता जाम है, ट्रैफिक जाम है पूरा, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। बहुत ही घुमावदार रास्ता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये देखिए केला का बगान, कितना पार्किंग है, देखिए बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। टाइमिंग क्या है मंदिर सब टोटो वोटो जहाँ तहाँ पार्किंग कर रही थी, केला बगान और ये हम लोग पहुँच गए मंदिर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो रहा हम लोग का मंदिर, और ये देखिए फाइनली यहाँ पर पहुँच गया है। और अपने बाइक को यहाँ पर स्टैंड करते हुए पार्किंग की तरफ इसलिए हम लोग यहाँ पहुँच गए। और भाई क्या बताएं, तुम बोलना चाहते हो यहाँ पहुँचने वक्त कैसा लगा, जर्नी कैसा लगा बताएंगे। अभी दोस्तों यहाँ मंदिर के पास पहुँचते हैं, अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे, देखेंगे घूमेंगे उसके बाद आपको रिव्यू देंगे। चलते हैं मंदिर के अंदर, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यहाँ का भीड़ जैसा कि देख ले बहुत भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पर आप लोगों को आने से पहले जूता यहाँ रखना, मंदिर के अंदर जाने से पहले जूता रखना पड़ता है। और ये रहा गेट मंदिर के अंदर जाने का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही भीड़ है। और ये हम लोग इंटर कर रहे हैं मंदिर की तरफ। और भाई साहब ये देखिए, और ये अंदर मशीन के अंदर से हम लोग निकल रहे हैं। देखिए यहाँ के अंदर एंट्री करते हुए फूलों का बगीचा, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि तुम देख रहे हैं यह है माँ दुर्गा का मंदिर। सब ले जाने वाला। अब हम लोग आगे तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्रिसमस मनाया गया था 25 दिसंबर को। और ये देखिए यहाँ पर अंदर आप लोग आइएगा, यहाँ पर जूता रख सकते हैं आप लोग। मेरे जूता रखने का कोई चार्ज है क्या? दो रुपया। जैसा कि आप लोग देखें 2 रुपये करके जूता का चार्ज है।
आप लोग अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, बाहर भी बहुत सारा था जूता। अपना जूता यहाँ पर जमा कर दिया, जैसा कि आप लोग पहले देखे थे कि हम लोग जूता पहन के आए थे और यहाँ पे हम लोगों ने जूता जमा किया इन भैया के पास। 2 रुपया पर हेड ज्यादा चार्ज, जिन्होंने 2 रुपया पर हेड लिया है हम लोगों से चार्ज, क्योंकि यहाँ आने मंदिर को प्रवेश करने के लिए जूता खोलना पड़ता है। और ये एंट्री, और ये एंट्री गेट, जैसा कि आप लोग देखे ये एंट्री गेट हम लोग का, यहाँ बच्चों लोग बच्चे के लिए बहुत ही झूला वूला लगाया गया है। ये देखिए भाई साहब, बहुत ही अलग लेवल का यहाँ पे ये सजावट किया गया है। श्री कृष्ण, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का ये वैसे है क्या म्यूजियम? और ये आश्रम है, जैसा कि आप लोग देखिए ये आश्रम है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। पे छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे लोग वॉलीबॉल टाइप का खेल रहे हैं सब कुछ। और ये हम लोग अंदर जा रहे, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग अंदर जाके देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है। अल्प अल्पते एक तुम्हार नामटा सकलके बोले दाओ। ए की कहो गो? बोलछी तुम्हार नामटा एक सकलके बोले दाओ। ए केना कहो गो? ए ये रहा मंदिर का रास्ता, और यहाँ का रास्ता देखिए पूरा पत्थर का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा। अभिषेक, आपको कुछ बोलना है क्या? बहुत मन को शांति मिल रहा है यहाँ पे आए हम लोग। मन को शांति, और हम लोगों ने यहाँ आने का प्लान बस 5 मिनट में हम लोगों ने यहाँ प्लान बनाया और 1 घंटे के अंदर यहाँ लोग पहुँच गए। और ये प्लान हमारे भाई का था, अनिकेत भाई का, जिनके कारण हम लोग आज यहाँ आए हैं। भाई आप लोग रेडी हुए तभी तो आए, आप लोग भी रेडी होते तो आते कैसे? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और ये सामने आप मंदिर को, हम देखिए मंदिर को देखिए, ये देखिए अर्जुन का रथ श्री कृष्ण जी के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ कलाकारी देखिए बहुत ही खूबसूरत, और ये बच्चों का ड्राइंग, जो ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत। और ये देखिए मंदिर का लुक। यहाँ एंट्री करने से पहले जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए एक नियम है, वो माथे में कपड़ा रख के ही अंदर जा सकती हैं। और ये देखिए मंदिर, ये मंदिर के बाहर के लोग हैं अभी, लोग हम लोग एंट्री करने वाले हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झंडा है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बहुत और ये देखिए मंदिर का पूरा ग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि आप मंदिर के पास में देखिए, ये घंटा है जो हम लोग घंटा बजाने जा रहे हैं। और ये घंटा देखिए, और ये देखिए झरना, उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। ये रहा मंदिर का मेन गेट, यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे अंदर की तरफ। मोबाइल ले जाना है कोई ये नहीं है, आप लोग यहाँ मोबाइल हम लोग बंद कर रहे हैं, आप लोग यहीं तक देखिए फिर आके हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है? अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आप लोग को मंदिर के अंदर का लुक नहीं दिखा पाया। और मैं अभी वहाँ से निकल चुका हूँ, और ये शाम के टाइम में जो लाइट जल रहा है वो लाइट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इसको देखिए और बताइए कितना अच्छा है या नहीं है, ठीक है? और ये देखिए शाम का नज़ारा, ये लाइटिंग देखिए, इतना दे बेरा बन नहीं जल्दी भाई, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है यहाँ पर। ये आप लोगों को लाइटिंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जोर से जोर बताइएगा। ये देखिए मंदिर,
ये मंदिर का पूरा ग्राउंड, ये है लाइटिंग, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है। ये है था रास्ता जहाँ हम लोग नहीं आ पाए, आप लोगों को नहीं दिखा पाए क्योंकि यहाँ कैमरा ले जाना बंद था, मना था बिल्कुल ही। फिर भी हम लोगों ने जितना कोशिश किया आप लोगों के साथ शेयर करने का हम लोगों ने किया। और ये देखिए लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़्यादा। आप एक बार जोर से जोर आइए यहाँ पर इस मंदिर की तरफ, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। और ये लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं हम लोगों के। ज़्यादा भीड़ है, ये रहा खूबसूरत नज़ारा हम लोगों का। और फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये देख लीजिए मंदिर, यहाँ काफ़ी भीड़ है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मंदिर से बाहर की तरफ, हम लोग मंदिर की तरफ से निकल चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, बहुत ही। अब हम लोग आगे तरफ जा रहे हैं मंदिर से निकल के, अब पता नहीं आए क्या है, देखते हैं आए जाके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ मार्केट वार्केट सब कुछ है। ये पर्डे खुला रहता है क्या? और कभी बंद नहीं रहता है, कोई भी दिन बंद नहीं रहता है, ऑलवेज खुला रहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये मंदिर ऑलवेज खुला रहता है, आप लोग का सिर्फ टाइमिंग है। क्या टाइमिंग था अनिकेत? 10 से 12 और 4 से 6। इस टाइमिंग पे आइए आप लोग, घूमिए और यहाँ का मजा लीजिए। बच्चे लोग का ये मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे जगह नेक्स्ट प्लेस, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हम लोग घूर के हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के तरफ। जब हम पहले आए हुए थे ना, आप लोगों को ये कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए रात के टाइम में लाइटिंग, जैसा कि हम लोग सुबह में आए थे आप लोगों ने देखा, और ये रात का नजारा। अभी भी लोग आ रहे हैं, भीड़ चल रहा है कंटिन्यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।